दोस्तों, आज की इस ऑडियो के अंदर मैं आपके लिए दुनिया के टॉप 5 ऐसे देश बताने वाला हूँ जिनके अंदर कोरोना वायरस से प्रभावित मरीजों की संख्या बहुत कम है, मरने वालों की संख्या भी बहुत कम है, लेकिन वहाँ का डेथ रेट यानी कि मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। तो सुनते रहिए इस ऑडियो को, काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल ऑडियो होने वाली है। साथ ही साथ इन टॉप 5 देशों के अंदर कितने मरीज पाए गए, कितनों की मृत्यु हो गई है ये भी बताने वाला हूँ। जो भी डिटेल है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के अकॉर्डिंग है। बेसिक पुरानी है लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर चलिए अपनी ऑडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर देश की बात करते हैं तो पहला देश आता है आपका अमेरिका, USA। यहाँ पर टोटल मरीजों की बात करें तो 239 मरीज पाए गए हैं जिनमें से 14 की मृत्यु हो चुकी है। 5.9% का यहाँ पर आपका मृत्यु दर रहा है। नेक्स्ट की बात करें तो चीन आता है और चीन के वुहान शहर से यहाँ पर कोरोना का जन्म हुआ था। यहाँ पर बात करें कितने मरीज हैं तो 80,679 मरीज यहाँ पर पाए गए हैं। 3,034 की हो चुकी है मृत्यु और 3.8% का रहा यहाँ पर आपका मृत्यु दर। नेक्स्ट की बात करें इटली, जो कि विश्व के अंदर चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे बड़ा और दूसरा स्थान रखता है। 3,858 मरीज पाए गए हैं जिनमें से 148 की मृत्यु हो चुकी है और 3.8% का यहाँ पर मृत्यु दर रहा है। नेक्स्ट की बात करते हैं ईरान, और ईरान के अंदर 4,747 मरीज पाए गए जिनमें से 124 की मृत्यु हो गई और 2.6% का मृत्यु दर रहा। पाइप देश है आपका फ्रांस, और फ्रांस के अंदर 577 लोग संक्रमित पाए गए जिनमें से 9 की हो गई मृत्यु और 1.6% का यहाँ पर मृत्यु दर रहा। तो दोस्तों, उम्मीद करूँगा अब आपको पता चल गया होगा इन टॉप 5 देशों में कितने केस पाए गए, कितनों की मृत्यु हो गई और मृत्यु दर यानी कि डेथ रेट कितनी रही। कैसा लगा ऑडियो? क्या आपको लगता है कि यह आपके साथ आपके अन्य फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स को भी जानना चाहिए? तो इस ऑडियो को जरूर से व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि पर शेयर करिएगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिएगा। कैसा लगा ऑडियो जरूर से बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।